पूरे देश में पेट्रोल डीजल एवं रसोई गैस की कीमतों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया जा रहा है। निर्धारित कार्यक्रम के तहत देवघर जिला कांग्रेस द्वारा महंगाई के विरोध में मशाल जुलूस निकाला गया, जो पार्टी कार्यालय से चलकर मुख्य शहर होते हुए टावर चौक पर समापन हुआ। मशाल जुलूस में मूल्य वृद्धि के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ता एवं समर्थकों ने केंद्र के मोदी सरकार के खिलाफ जोरदार नारे लगाते हुए मूल्य वृद्धि की वापसी की। मशाल जुलूस के दरमियान जिला अध्यक्ष मुन्नम संजय ने कहा कि केंद्र के मोदी सरकार जिन वायदों को लेकर देश की सत्ता में आए थे, आज उन सारे मुद्दों के विपरीत कार्य करने लगे हैं। देवघर से अवनीश। आज जो महंगाई घंटे के हिसाब से बढ़ रहा है, पेट्रोल का दाम घंटे के हिसाब से, डीजल का दाम घंटे के हिसाब से, गैस रसोई गैस का दाम घंटे के हिसाब से, अब इसका प्रभाव सारे खाद्यान्नों में पड़ रहा है, सारे दलहन में पड़ रहा है, सारे तिलहन में पड़ रहा है। देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं मोदी जी? आप ये तो बता दीजिए कि आप कब तक, कहाँ तक ले जाएंगे? इस देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। रुपया को आपने इसी तरह से किया, आप अनाज को इस तरह से, किसान सड़क पर बैठे हुए हैं। देश की ऐसी हालत करके रखा है मोदी सरकार ने, देश में इनको जरा सा भी नैतिकता अगर होती तो ये गद्दी पर नहीं बैठती। मशाल जुलूस हम लोग जो निकाले हैं पूरे कांग्रेस पार्टी, जनता को जगाने के लिए, आम लोगों को जगाने के लिए और मोदी सरकार को औकात दिखाने के लिए। पेट्रोल डीजल और रसोई गैस का जब तक दाम कम नहीं होगा तब तक हम लोग सड़क से संसद तक धरना और प्रदर्शन करते रहेंगे। और मोदी को मैं एक सही बजा के रख दूंगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। देवघर में मार्च महीने से एम्स में ओपीडी शुरू कर दी जाएगी। ओपीडी शुरू करने को लेकर जिला प्रशासन ने एम्स के पदाधिकारियों के साथ बैठक किया। बैठक में निर्माणाधीन एम्स में अतिशीघ्र ओपीडी चालू कराने पर जोर दिया गया। इस बाबत वहां काम कर रहे संवेदकों को 28 फरवरी तक ओपीडी के लिए भवन जिला प्रशासन को हैंड ओवर करना है। इसके बाद उसमें मशीनें लगाई जाएगी और संभवतः मार्च महीने में ओपीडी को शुरू कर दिया जाएगा। देवघर डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने बात करने के दौरान कहा कि एम्स के साथ बैठक में समन्वय को लेकर ज्यादा जोर दिया गया है। अति शीघ्र ओपीडी शुरू होने के साथ ही जसीडी से एम्स आने के लिए पर्याप्त संसाधनों की व्यवस्था की जानी है, जिसको लेकर जिला परिवहन पदाधिकारी से विचार विमर्श किया जाएगा। देवघर से कैमरामैन विकास के साथ गुड्डू झा की रिपोर्ट। समन्वय बैठक यहाँ के एम्स डायरेक्टर साहब के साथ हमने किए हैं और हमारे जिला प्रशासन के सभी पदाधिकारियों के साथ। अभी 28 फरवरी को जो ओपीडी के लिए जो निर्माण होनी है वो सारा लगभग हो जाएगी। उसके बाद 2 से 3 सप्ताह में सारे इक्विपमेंट लग जाएगा। उसके बाद जो है एक समन्वय बनाते हुए ओपीडी शुरू करने की दिशा में क्या क्या करना है वही हम लोगों ने आज डिस्कस किया। साथ ही में अन्य जो चीज़ है, जैसे जेसीडी में जो भी पेशेंट्स आएंगे तो वो लोग यहाँ से आने के लिए उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा हो, तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर को हमने बताया है कि जो लोकल ऑटोज जो है और जो बस वाले हैं उनके साथ भी डिस्कशन करें ताकि आसानी से उनको यहाँ लाया जा सके। और साथ ही साथ नगर निगम के द्वारा भी एक डिस्कशन होगा यहाँ का जो वेस्ट मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा। बायोमेडिकल वेस्ट तो एम्स के द्वारा ही किया जाएगा और साथ ही साथ यहाँ का जो अदर नॉर्मल वेस्ट है उसका कैसे हम लोग डिस्पोजल करें। और बहुत जल्दी इसको ओपीडी को शुरू करने की दिशा में क्या क्या और लंबी तो वो सारे चीज़ हम लोगों ने किए हैं और प्रगति संतुष्ट है। कब तक? अब तो 28 नेक्स्ट 2 डेज में जो है ये इसका हैंडओवर हो जाएगा एम्स को ओपीडी के बिल्डिंग, और उसके बाद 3 सप्ताह लगेंगे सारे इक्विपमेंट्स लग जाने के लिए, उसके बाद उसको जो शुरू किया जा सकता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। उधस चढ़ कर कट कर कर डक्कर। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव 2021 के सफल संचालन के मद्देनजर उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने चरकी पहाड़ी स्थित स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने स्ट्रांग रूम व मतगणना हेतु भवनों का अवलोकन कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। इसके अलावा उन्होंने ईवीएम और वीवीपैट स्ट्रांग रूम की सुरक्षा और मतगणना के लिए की जाने वाली व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने की बात कही।
पुलिस अधीक्षक श्री अश्विनी कुमार सिन्हा ने कहा कि मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के मद्देनजर सभी खिड़की एवं दरवाजा पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा, साथ ही पूरे भवन सीसीटीवी के सुरक्षा में रहेगी। देवघर से कैमरामैन विकास के साथ गुड्डू। जब भी संभव है तो उसके लिए जो कलेक्शन सेंटर, ईवीएम का कलेक्शन सेंटर और यहाँ काउंटिंग का तो हम लोगों ने निरीक्षण किया, तो सारे इंतज़ाम उस दिन जो होने वाले हैं और पोलिंग के दौरान, पोलिंग के दिन भी जो ईवीएम कलेक्शन के लिए जो होना है वो सारा चीज़ हम लोगों ने देख लिया, तो उसी को संबंध में आए हुए थे। स्ट्रॉन्ग रूम और काउंटिंग हॉल दोनों इसी बिल्डिंग में होना है, तो इसके लिए स्ट्रॉन्ग रूम के लिए सारे खिड़की दरवाजे उसको कंक्रीट से, ईंट और कंक्रीट से उसको सील कर दिया जाएगा। एक दरवाज़ा खुला रहेगा जिसको भी लकड़ी से सील कर दिया जाएगा। जगह जगह पर सीसीटीवी लगा दिया जाएगा ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। फोर्स यहाँ पर प्रतिनियुक्त किया जाएगा सीएपीएफ, ताकि इसकी सैंक्टिटी जो स्ट्रॉन्ग रूम की है और काउंटिंग एरिया की है उसकी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।